ये आदि का गिफ्ट, ये देखो। थैंक यू, थैंक यू आदि। चिड़ी ने देखा, मुझे बता था बैंगल्स, ब्यूटीफुल। नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। ये देखो, ये एक तनुज है और एक मैम, ये मैम लव बर्ड्स। तो सबसे पहले मैंने बनाया है एक ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप का केक, तो जिसके लिए मैंने बेस रेडी कर दिया है। मैं सिंपल केक बनाने वाली हूँ, लेकिन लास्ट में आप देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इसकी दो लेयर कट करके फर्स्ट लेयर में मैंने इसकी क्रीम लगा दी है, उसके बाद मैं इसके ऊपर इसकी सेकेंड लेयर रख दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी शुगर सिरप, जो कि मैंने फर्स्ट लेयर में भी लगाया था। उसके बाद मैंने देखिए सुंदर से इसको अच्छे से पूरा कवर अप कर दिया है, प्यारे से रोजेस बना दिए हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा एकदम वाइट वाइट सा, लेकिन अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। मैंने सोचा इस बार कुछ नया किया जाए, तो मैंने इस बार सारे रोजेस से इसको पूरा ऊपर से कंप्लीट रोज लगाए और साइड से मैंने पेटल्स लगाए हैं, और बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल creativity.com। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो आज है हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी। ओह माय गॉड, 7 साल हो गए तो ऐसा करोगे? तो ये मेरे ब्यूटीफुल सा केक बनाया है, क्यूट सा, पूरा रोजेस के साथ पेटल्स लगाए, थोड़ी सी डेकोरेशन करी है, क्यूट सा एक केक बनाया है घर पे ही हमेशा की तरह। और आई होप आपको मेरा केक अच्छा लगे। तो ये छोटी सी डेकोरेशन करके हम यहाँ पे भी, अभी तो सिर्फ केक कटिंग कर रहे हैं। केक कटिंग करने के बाद हम जाएंगे बाहर, हमें मिस्टर हबी लेके जाएंगे डिनर पे। तो चलो फटाफट से केक कटिंग कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो केक कटिंग हो गया है। आई होप आपको मेरे वीडियो में जो ये केक है ये बहुत ही अच्छा लग रहा हो, क्योंकि सामने से देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। जितना ही सिंपल है उसको बनाना बहुत ही आसान रहा मेरे लिए, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी डेकोरेशन भी की है मैंने और फ्लावर पेटल से ही उसके। अब मम्मा डैडा को भी खिलाना फिर। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, ये हमारा एनिवर्सरी का, ये हमारा प्रोडक्ट। गिफ्ट, हमारा गिफ्ट का है आदि, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, दो दो दो, आराम से दोनों को पकड़ाओ। थैंक यू आदि, थैंक यू। मैंने इसमें आपके लिए चूड़ी ली है। आदि का तो बड़ा ही प्यारा है। और थैंक यू मेरा बच्चा, आदि के लिए भी लेंगे। थैंक यू मम्मा, मम्मा आ जाओ में। क्या है क्या, मामा ने भी मुझे केक खिलाया, तनुज को भी खिलाया। अब हमें एक जरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए तो एक बार भी एक ही जरा हो पा रहा था। और मेरी मामा भी दिखा आई हुई, तो इस बहाने एनिवर्सरी और ज्यादा स्पेशल हो गई है। और इसके बाद हमारा छोटा सा ये लवली सा मूवमेंट, जिसमें मुझे तनुज रोज दे रहे हैं, कह रहे मुंह पे रख के दे दो, मैं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, 7 ईयर्स हो चुके, ऐसे ही दे दो आप। मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, मुझे बहुत, मतलब बहुत हैप्पी, बहुत मतलब वैसा फील हो रहा था। इसके बाद मैंने सोचा है सबने केक बड़े अच्छे से खा लिया, मैंने ही नहीं खाया। मैंने कहा पहले मैं तसल्ली से केक खा रही हूँ, मुझे पता तो चले मैंने केक बनाया कैसा है, क्योंकि फिर मैंने खुद से आराम से बैठ के पहले 2-3 स्पून केक खाया, तो मुझे हो गया कि हाँ केक टेस्टी बना हुआ है। और ओपन कर रही हूँ मैं कि प्यारा से क्यूचा रोज, पहले आदि का गिफ्ट ओपन करते हैं। अब इसको दौड़ में लगा दे। थैंक यू, कहाँ निकाल, ये मैंने दिया। ये आदि का गिफ्ट, ये देखो। वाह, थैंक यू, थैंक यू आदि। इसको
अभी मैं एक के बाद अपने गिफ्ट खोल रही हूँ। अब देखिए सारे गिफ्ट जो है सेम पैकिंग पेपर से है, सेम कलर के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे आइडिया तो हो गया था कि मुझे इस बार बैंगल्स मिलने वाली है, लेकिन फिर भी जो गिफ्ट खोलने का मजा आता है वो अलग ही। चिड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटना, चिड़ी नहीं है मेरा दिल है। ओ माय गॉड, एक और इयररिंग, क्यूट से ये भी झुमकी, झुमकी बहुत सुंदर लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे। ये देखो मेरा झुमका, व्हाट झुमका, अरे वाले हाथ में मैंने छू लिया ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है। मम्मा को अच्छे लगे थे, पता है एक बार मम्मा डैडा के साथ गई थी ना, तो ये मम्मा को बहुत अच्छे लगे थे। ये देखो वाओ, ये एक मम्मा है और एक डैडा है और ये हमारे हाथ से है। थैंक यू, बहुत ही मीठी है, देखो कितनी क्यूट लग रहे ना। इनको मैं माला पहना दे। नहीं माला नहीं, वो ब्रेसलेट है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल। ये क्यूट, मैं हूँ और ये तनुजा, थैंक यू। पर इसके लिए दादा बड़ा और दिखा, और दिखा। ये देखो, ये एक तनुजा है और एक मैम, ये मैम लव बर्ड्स, क्यूट है ना, इतने प्यारे लग रहे हैं। नहीं यार, आपने आने कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, क्यूट है ना दोनों जने। मम्मा कौन सी है? मम्मा ये, आप क्यूट लग रहे हो। और डैडा भी, डैडा ने कैप लगाई है, मम्मा ने हैट लगाई है। सो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, तो हम चल दिए उसके बाद अपना खाने के लिए। हमने कहा डिनर के लिए जाना था, तो हम इस वाले रेस्टोरेंट आए थे पकवान, यहाँ भी हम फर्स्ट टाइम आए थे और काफी अच्छा लग रहा था। अंदर जाके काफी अच्छा लगा, रश काफी था वैसे रेस्टोरेंट के अंदर। और आते के साथ तनुज लग गया है ऑर्डर के लिए, अद्वे अपना फोन में ऐसे लेट गया जैसे पता नहीं कहाँ आया होगा, मजे से एकदम बिल्कुल अपने शूज वगैरह उतार के बैठ गया बिल्कुल। और तनुज लग गया कि क्या ऑर्डर करना है, मुझसे भी पूछ रहे थे। मैंने कहा जो भी ऑर्डर करोगे प्लीज थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करना। उसके बाद सबसे पहले हमारा मसाला पापड़ आ गया, जो कि आजकल तनुज का फेवरेट हो रखा है। और बच्चों का तो आपको एडविजल पता ही है कि उनको सबसे ज्यादा फ्रेंच फ्राइज पसंद आते हैं, क्योंकि अद्वे को घर पे मैं ये सब चीजें देती नहीं हूँ, उसे होममेड चीजें मिलती है, तो बाहर जब भी वो आता है तो अपने मन का खाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन तो बनता है। और मैं अपना मसाला पापड़ में लग गई, मैंने कहा चलो इसको टेस्ट किया जाए कैसा है। जैसे ऑलमोस्ट मैंने देखा है जहाँ भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं ये काफी अच्छा लगता है मुझे, काफी अच्छी मतलब ये स्टार्टर में मुझे बहुत पसंद आता है, तो यहाँ भी अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी था। बट अद्वे को उसका नीचे वाला ही पसंद आ रहा था, उसको तो बस पापड़ पापड़ खाना था। और लेकिन टेस्टी था ये स्टार्टर मसाला पापड़, मैं घर पे भी इसको जरूर ट्राई करूंगी। मैंने इसे बहुत टाइम से सोच रखा है कि मैं ट्राई करूँ, मैं पापड़ भी लेके आ गई हूँ लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट मैं बहुत जल्दी से घर पे भी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगा है पापड़ सेको और अपना जस्ट इसके ऊपर आप ये मसाला बना के डाल दो, तो मुझे काफी अच्छी सही लगी ये रेसिपी। तो उसके बाद मैंने मम्मा को भी बोला कि आप भी टेस्ट करो भाई थोड़ा बहुत। मम्मा कहती मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, मैं कोई बात नहीं जितना भी खाओगे। नेक्स्ट हमने मंगाया फिर मंचूरियन, बहुत टाइम हो गया था हमने गोभी मंचूरियन ट्राई नहीं किया था, है ना, मुझे ये कैबेज वाला बहुत ज़्यादा पसंद है वेज वाला, तो हमने कहा चलो इसको ट्राई किया जाए। और बस हम अपने लग गए फटाफट खाने में, क्योंकि अब भूख बढ़ने लग गई थी। और हमने सबने तीनों ने अलग अलग तरह के मॉकटेल्स मंगाए थे, किसी ने मोइटो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, जिसको जो पसंद है अपने हिसाब से सबने ऑर्डर कर लिया था। पर मुझे यहाँ के मॉकटेल्स कोई खास इतने मतलब बहुत अच्छे नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही ऑर्डर किया था। और ये हमारे आ गए, फिर उसके बाद बेबी कॉर्न, अद्वे ने अपने लिए स्माइलीज ऑर्डर कर दी, और फिर मैं थोड़ा बहुत डिनर विनर करके मेन कोर्स लेके हम आ गए अपना घर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्चुअली स्टार्टर से इतना पेट भर जाता है ना कि मेन कोर्स का तो मन नहीं करता, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत खाके और हम फटाफट से फिर वहां से घर आ गए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एनिवर्सरी व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखा हो, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारे से गिफ्ट मिले हैं, इतनी प्यारा सा बैंगल्स का सेट है ना। यू नो मैं बातों से हमेशा कहती थी कि तुम मुझे ना कभी भी चूड़ियाँ नहीं देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप मुझे कभी बैंगल्स गिफ्ट करो,
मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ एक्चुअली, तो इस बार फाइनली मुझे उन्होंने पहली बार, मतलब वैसे उन्होंने मुझे कुछ दिलवाया है या मेरे कभी लेके आए चूड़ियाँ इस तरह से कभी नहीं दी है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे वो चूड़ी का सेट लेके आए हैं और प्यारा सा एक गिफ्ट भी लेके आए हैं जो ऊपर आप देख रहे हैं, हमने रख दिया है लव बर्ड्स, है ना, क्यूट से लव बर्ड्स लेके आए हैं मेरे लिए, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, इयर रिंग्स लेके आए हैं, है ना, और अद्वे ने भी यारे के साथ ही मिलके एक बड़ा सुंदर सा है ना की चेन वगैरह वो उसने भी दिया है, और मम्मा ने नहीं, मम्मा ने एक्चुअली बोला था कि जाके कुछ ले ले, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं ले लूंगी बहुत जल्दी, उन्होंने बोला अपनी पसंद का कुछ भी ले लेना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं वो भी लूंगी, तो मैं बहुत देखती हूँ क्या लेती हूँ, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, और कुछ ना कुछ ले लूँगी, कोई ड्रेस ज्वेलरी जो भी मुझे पसंद आएगी मैं ले लूँगी, तो उनका गिफ्ट अभी पेंडिंग है। बाकी अच्छे से रहा एनिवर्सरी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, टेक केयर, बाय बाय।